इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा के लिए कांग्रेस आज कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देगी, ऐसी खबर इस वक्त मिल रही है। कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देगी, यानी कि सांप्रदायिक हिंसा पर जोर शोर से चर्चा चाहती है कांग्रेस पार्टी। इससे पहले भी इस मुद्दे पर काफी आक्रामक दिख चुके हैं संसद में राहुल गांधी, और कल सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला था। आज भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी को टारगेट किया है सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे पर। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया जाएगा कांग्रेस की ओर से? जी बिल्कुल तन्या, कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया जाएगा, लेकिन उसमें प्रश्नकाल स्थगित करने का प्रस्ताव नहीं होगा, जीरो आवर में बहस कराने के लिए स्थगन प्रस्ताव होगा। और अभी से थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक खत्म हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सांसदों से कहा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी और साथ ही साथ सांप्रदायिक छवि से, बंटवारे वाले करने वाली छवि से लड़ने की जरूरत है, लड़कर हम वापिस आएंगे। साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा है अपने सांसदों से कि राज्यों में हमारी सरकार है, हम केंद्र से जरूर चले गए हैं, लेकिन राज्यों में वोटर के पास जाकर सरकार को, लोगों को यूपीए की नीतियों को बताने की जरूरत है। बीजेपी की सरकार के पास अपनी कोई नीति नहीं है, बीजेपी की सरकार यूपीए की नीतियों को ही आगे बढ़ा रही है। लेकिन खासतौर पर नरेंद्र मोदी पर फिर एक बार निशाना साधा है, कहा है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ती चली गई हैं, और साथ ही साथ अधिनायकवाद कहा है कि बीजेपी की बंटवारे और अधिनायकवाद की से लड़ने की जरूरत है और लड़ने के बाद हम वापस आएंगे। सानिया बिल्कुल, और मिथिलेश इस वक्त हम तीन तस्वीरें भी देख रहे हैं, कैसे सोनिया गांधी ने सांप्रदायिक के हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया था, उसके बाद ममता बनर्जी ने नाम नहीं लिया लेकिन उनका भी इशारा केंद्र की सरकार की ओर ही था, और तीसरी तस्वीर में हम देख रहे हैं कि सांप्रदायिक हिंसा पर आज चर्चा हो सकती है संसद में, और इसके लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव भी कांग्रेस की ओर से दिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसी का नाम लिए बिना बीजेपी पर बड़ा हमला बोला था। ममता ने कहा कि बंगाल में दंगे फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उनकी सरकार दंगों को लेकर काफी गंभीर है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दल हिंदू मुसलमान दंगा लगाने चेष्टा करे, कोनो दंगा हिंदुओ करबेन ना मुसलमानो करबेन ना, दंगा के आमी किन्तु बरदास्त करी ना, दंगा जे करबे तार बिरुद्धे सरकार कठोर व्यवस्था नेबे। आपने सुना कि ममता बनर्जी क्या बोल रही थी, और इस बीच बड़ी खबर यह है कि सांप्रदायिक हिंसा के मामले पर कांग्रेस कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस देगी। आज फिर से सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। मिथिलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आज क्या कुछ कहा है सोनिया गांधी ने? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री की पार्टी की बैठक में आज फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, उन्हें अधिनायकवादी कहा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी नेतृत्व और साथ ही साथ बंटवारे करने की राजनीति से लड़ेंगे हम, और लड़कर सत्ता में वापिस करेंगे। जाहिर तौर पर कल भी निशाना साधा था, कहा था कि तिरुवनंतपुरम से कहा था कि उन्होंने की बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ती गई है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की घटनाओं को लेकर लोगों के बीच जाए, इसलिए उन्होंने अपने सांसदों को कहा है कि लोगों के बीच जाए, राज्यों में हमारी सरकार अभी भी है, केंद्र से जरूर हम सत्ता से दखल हो चुके हैं, लेकिन राज्यों में वोटरों के पास जाकर बताने की जरूरत है कि बीजेपी की मोदी सरकार अभी भी यूपीए सरकार की नीतियों को आगे बढ़ा रही है, इनके पास अपनी कोई नीति नहीं है। लेकिन खास तौर पर अधिनायकवाद कहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो तानाशाह कहती रही नरेंद्र मोदी को, उसी छवि को बनाने की कोशिश है। बिल्कुल मिथिलेश, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो लगातार दूसरे दिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है।